Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Talk. I hope you all are doing very very good. So, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने जो हमारी प्रीवियस सीरीज थी स्टॉक मार्केट का पार्ट वन, म्यूचुअल फंड्स का पार्ट एंड स्टॉक जो मैंने क्रिप्टो करेंसी की सीरीज बनाई थी आप सबने वो देख ली होगी एंड आप सबको उस सभी सीरीज की सारी वीडियो काफी पसंद आई होंगी, ऐसा मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। एंड आप सब लोगों ने जो प्यार दिया मेरी सारी वीडियोज पर, सबका मैं आपका उन सबके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो पर इतना प्यार बनाया एंड उसको इतना व्यूज एंड सपोर्ट किया आपने। सो अब हम आज की जो सीरीज हम अब से चालू करने वाले उसमें थोड़ा सा हम और डेप्थ में जाएंगे स्टॉक मार्केट की एंड उसके जो कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम बात करने चालू करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स, जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि डेरिवेटिव का बेसिकली इंडिया में जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, ठीक है, ओरिजिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कहां से आया, किसके ने सेटअप किया, क्या किसका योगदान था, उसके बारे में हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखिए जी, इन नवंबर 1996 जो हमारे डॉक्टर एलसी गुप्ता थे वो काफी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है स्टॉक मार्केट में, उन्होंने नवंबर 1996 में एक 24 मेंबर की कमिटी फॉर्म करी थी ताकि वो डेरिवेटिव के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डेवलप कर सके। उसी कमिटी ने 17 मार्च 1998 में जो उनको काम किया गया था उसकी उन्होंने रिपोर्ट को डॉक्टर एलसी गुप्ता के पास सबमिट किया कि उसका फ्रेमवर्क किस तरह डिजाइन होगा। उसी साल जून 1998 में जो हमारे प्रोफेसर जेआर वर्मा साहब हैं वो भी काफी रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं स्टॉक मार्केट में, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट और अदर सेगमेंट के सेटअप में काफी ज्यादा हेल्प करी है। सो जून 1998 में उन्होंने डेरिवेटिव के फ्रेमवर्क को पढ़ा और समझा कि भाई इसमें ना रिस्क जो होता है, रिस्क का कॉम्पोनेंट काफी ज्यादा है, तो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए उन्होंने एक इसके लिए भी कमेटी सेटअप कराई। मेंबर्स को उसमें जिक्र नहीं किया कितने मेंबर्स हैं, बट एक कमेटी उन्होंने भी इसके लिए बनाई जून 1998 में। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी अक्टूबर 1998 में डेरिवेटिव के रिस्क को कंटेन करने के लिए, ठीक है। ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद पहला प्रोसेस हमारा क्या हुआ कि डेरिवेटिव के लिए एक फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया। दूसरा हमारा प्रोसेस क्या हुआ, डेरिवेटिव जो रिस्क कॉम्पोनेंट है उसको भी मिनिमाइज और समझने के लिए एक चीज डेवलप करी गई। इसके साथ साथ जो हमारा सिकरा एक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, उसको अमेंड किया गया ताकि सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में जो हमारे डेरिवेटिव है उसको भी इंक्लूड किया जा सके फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस, ठीक है। एंड ये सब चलते चलते जब फ्रेमवर्क डेवलप हुआ, एक्ट अमेंड हुआ, उसी के साथ फिर हमारा जून 2000 में पहला हमारा जो डेरिवेटिव है वो इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट के जो फ्यूचर्स है उसका लॉन्च किया गया इन जून 2000। इसी के साथ साथ फिर और डेवलपमेंट्स हुई, तो इसके बाद हमारा इंडेक्स के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं स्टॉक्स के, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको हमारा जून 2001 में मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस। और आगे डेवलपमेंट होती रही और चीजें इंट्रोड्यूस होती रही, तो फिर 2001 में ही स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स है उसको नवंबर 2001 में इंट्रोड्यूस कर दी गई उसकी कॉन्ट्रैक्ट को भी। इसी के चलते जो हमारा थर्ड एक्सचेंज आता है MSCI, इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसको फरवरी 2013 में लॉन्च करा गया। बाकी रिमेनिंग एक्सचेंजेस, कॉमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, ये सब जो मिसलेनियस अदर चीजें थी उसको भी टाइम टू टाइम आगे लॉन्च करता गया मार्केट में। जो ये बड़े बड़े प्रोफेसर लोग थे इसे लॉन्च करते गए मार्केट में। सो एक ब्रीफ में अगर हम इस वीडियो के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेशन हुआ डेरिवेटिव के फ्रेमवर्क का 1996 में, उस कमिटी ने रिपोर्ट दी 1998 में। 1998 में ही डेरिवेटिव के जो रिस्क है, रिस्क के जो फैक्टर है उसको समझने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक और चीज डेवलप करी गई। इसी के बाद फिर हमारा जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का है उसको अमेंड किया गया ताकि उसमें डेरिवेटिव को हम इंक्लूड कर सके। फिर 2000 एंड 2001 में हमारे जो स्टॉक के फ्यूचर्स हैं, स्टॉक ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया गया।
फिर 2013 में हमारा MSEI पे लॉन्च किया गया, इसी के साथ साथ बाकी सब सेगमेंट में भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमारे लॉन्च होते रहे मार्केट में फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। आई होप इस वीडियो में आपको डेरिवेटिव की बेसिक सी फॉर्मेशन के बारे में समझ आ गया होगा कि डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट है किस तरह लॉन्च करे गए थे इंडिया में फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करे गए। अब अगर आप कहेंगे तो मैं डेरिवेटिव का मतलब, जैसे मेरी पहले की वीडियो डेरिवेटिव की बनी हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो उसको जाके। मैं सिंपल में आपको डेरिवेटिव एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइन स्टॉक या किसी अंडरलाइन एसेट से डिराइव करता है एंड उससे फिर हम ट्रेडिंग करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही है, आप मेरे चैनल पे बने रहिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। एंड जो मैं नई सीरीज चालू की है स्टॉक मार्केट बेसिक्स की, आप इसको भी प्लीज देखिएगा पूरा एंड अपना भरपूर प्यार हमारी इस सीरीज पे भी दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।